बुधवार को आगरा किले पर जिलाधिकारी नवनीत चहल ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आगरा किले पर पार्किंग को लेकर हो रही अव्यवस्थाओं पर भी चर्चा की इस दौरान ए सचिव गरिमा सिंह अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल उप निदेशक उद्यान विभाग आगरा मंडल कौशल कुमार के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे बुधवार को जिलाधिकारी नवनीत चहल ने आगरा किले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया आपको बता दें कि ताज नगरी में ताजमहल और आगरा किले पर ही सबसे ज्यादा पर्यटक इन दिनों स्मारक का दीदार करते हैं पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो उसी को देखते हुए जिला अधिकारी नवनीत चहल ने आगरा किले पर साफ सफाई के साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान एडीए सचिव गरिमा सिंह अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल उप उद्यान विभाग आगरा मंडल कौशल कुमार नगर निगम के अधिकारियों के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे देखिए आज आगरा फोर्ट का विज़िट जो हमारे एएसआई के ऑफिसर्स हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं नगर निगम के ऑफिसर्स हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं कैंट बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनके सबके साथ विजिट की गई और बेसिकली यहाँ पर भीड़ की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ सफ़ाई के दृष्टिगत जो जो इम्प्रूवमेंट्स की जानी है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ये इंप्रूवमेंट्स नज़र आने लगेंगी स्पेसिफ़िकली जो हमारा बुकिंग काउंटर है उसको पीछे की तरफ कराने की जो कार्रवाई है वो ए के द्वारा की जा रही है जिससे जो रास्ता है आने वाला ये खुल जाएगा और आप सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने की जो स्थिति है वो नहीं होगी आगरा किले पर जाने वाले रास्ते पर ही टिकट काउंटर होने से पर्यटकों को भीड़ का सामना करना पड़ता है उसी को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा टिकट काउंटर को पीछे शिफ्ट किया जा रहा है जिसका कार्य भी शुरू हो चुका है जल्द ही प्रवेश द्वार पर लगने वाली भीड़ से भी पर्यटकों को निजात मिलेगी साथ ही वाहन पार्किंग के दौरान सैलानी को होने वाली परेशानी पर भी चर्चा की जिसको लेकर आगरा कैंट और एडीए को जल्द ही पार्किंग में सुधार के निर्देश दिए एक छोटी पार्किंग स्पेस जो आगरा फोर्ट के लिए जो आते हैं टूरिस्ट उनके लिए जो बनाई गई है उसको इम्प्रूव करने के डायरेक्शन कैंट बोर्ड को और आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए हैं वो उस पर जल्दी ही काम करेंगे जो एक इंटरनल ड्रेन है जो यहाँ आगरा फोर्ट के नज़दीक से जा रही है उसको साफ़ करने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं और वो उस पर कल से ही काम करके स्थिति सुधारने का काम करेंगे आगरा फोर्ट में जो रेनोवेशन का या रेस्टोरेशन का काम एएसआई के द्वारा किया जा रहा है उसका भी एक ओवरव्यू व्यू यहाँ पर लिया ओवरऑल टूरिस्ट को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और यहाँ पर एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। फोर्ट विजिट के दौरान क्योंकि आगे आने वाले साल में विभिन्न विजिट्स और अभी जो टूरिस्ट सीजन है इस दौरान विभिन्न विजिट्स हायर अप लेवल्स की भी होने वाली हैं 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 होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी जो तैयारियां है वो पूरी रखना चाहते जिला अधिकारी नवनीत चहल की पहुंचने की सूचना मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए उन्होंने आगरा किले के चप्पे चप्पे का जायजा लिया ताजमहल और अन्य स्मारकों पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से सैलानियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसको लेकर भी जिला अधिकारी नवनीत चहल ने अधिकारियों ऐसी बात कर जल्द ही पर्यटकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्वासित किया इसके बारे में भी जो नेटवर्क फर्म्स हैं उनके साथ भी बात की जाएगी और जो अनुमन्य रूल्स हैं जिसके अनुसार जो जो की जा जा सकती है जा है है उसके ऊपर भी विचार किया रहा जल्दी कोई जो बा... 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 है, उसको जरूर फाइंड आउट कर आगरा को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है देश ही नहीं बल्कि विदेश से सैलानी आगरा आकर स्मारको का दीदार करते हैं इसी को देखते हुए जिला अधिकारी स्मारको का निरीक्षण कर आगरा की छवि सुधारने का काम कर रहे हैं जिससे पर्यटन नगरी की छवि भी धुमिल ना हो सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट